ये लो, कुहू यहाँ बैठी है और हम दोनों उसको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। तानी आंटी, मम्मी कभी वापस नहीं आएंगी ना? मरने का मतलब यही होता है ना? नहीं कुहू, ऐसा किसने कहा आपसे? मम्मी हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी। वहां देखो, अभी भी मम्मी की फोटो आपके बिल्कुल सामने है। जब भी आपको उनकी याद आए ना, वो आपके पास होंगे। और वैसे भी आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बोलना, मैं ला के दूंगी आपको। हाँ चलो अभी हंस दो नहीं तो मुझे लगेगा किस छोटों की तरह आपको भी रोने की आदत हो गई है। देखो ये तो फिर से मुंह बना रहा है, अभी रो पड़ेगा। मैं इसके लिए दूध बना के लाती हूँ, आप तब तक यहाँ खेलो। हाँ একটা কথা বলতে চাই তোর সঙ্গে, কুছ বাত করনি হ্যায়। ক্যা বাত হ্যায় বাবা? মা তো ঠিক হ্যায় না? হ্যাঁ নীলু ঠিক হ্যায়। দরাসল মে তুজসে মাফি মাঙ্গনা চাহতা হুঁ। বাবা ইয়ে আপ ক্যা? হ্যাঁ তানি, মেনে তুজে হমেশা গলত সমঝা। ইস ঘর মে হুই হর প্রবলেম কে লিয়ে মে তুজে জিম্মেদার মানতা রাহা। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मैं तहे दिल से तुझे इस घर की बहुत स्वीकार करता हूँ। बाबा इस वक्त ये सारी बात, इसी वक्त ये सब कहना बहुत जरूरी है। तानी जिस मोड़ पर आँख खुले उसी मोड़ पर सवेरा होता है। आज मेरी आंखों के सामने सवेरा हो गया। पिछले कई दिनों से मैं तुझे सिर्फ इस घर के लिए जीते हुए देख रहा हूँ, बिना किसी उम्मीद के। कितना कुछ किया है तुमने इस घर के लिए, इन बच्चों के लिए। तेरा प्यार, तेरा डिवोशन, उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है बेटी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू जल्द से जल्द इस घर की बहू बनकर आए। इस घर को तेरी जरूरत है, इन बच्चों को तेरी जरूरत है। बोधी से तो मैंने ये सारी बातें कह दी, और तू तो जानती है अनन्या की भी यही अंतिम इच्छा थी। हाँ अनुराग से मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, मैं चाहता हूं कि तू खुद उसे ये सब कहे। ठीक है? और हाँ बच्चे को माशिम के पास छोड़ देना। कब से रॉबी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। उसके सारे कनेक्शन से बात कर चुका हूं लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहां गया। समझ में नहीं रहा कहां चले गया वो। अनु तू परेशान मत हो, वो जहां भी होगा ना ठीक होगा। जितनी परवाह हमें उसकी है उतनी परवाह उसे भी है। उसे थोड़ा वक्त दे सदमे से बाहर आने के लिए। ये सब मैं भी जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर आ जाए तो उसे इस बात का एहसास हो। भाइयों में झगड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार मर गया। बस एक बार यहाँ आ जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तानी। हाँ क्या बात है, परेशान क्यों? कोई बात नहीं अनु। तानी झूठ मत बोल मुझसे, सच सच बता क्या बात है। कुछ नहीं अनु, बोल रही हूँ ना कोई बात नहीं है। तू जब भी मुझसे झूठ बोलती है ना ऐसी नजरें चुराती है, पता क्या बात है? अनु तू ऐसे ही परेशान हो रहा है, एक बार कहा ना कोई बात नहीं है। सुन मेरी बात, विश्वास है ना मुझ पर, पता क्या बात है? अनु कल रात को चीचू घर पे आए थे,
अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारी खामोशी को वो हमारी कमजोरी समझना नहीं छोड़ूंगा उन्हें। अनु, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो हो गया उसे यही तक रहने दे। अगर आज हम चुप रह गए ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि जो हरकत उन्होंने आज की वो दोबारा तेरे साथ फिर से करे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं लेकिन अनु, तू फिक्र मत कर, मैं अपने आप अपने हाथों से कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा कानूनी तरीके से करूंगा। जाके बाबा से बात करता हूँ, वो कमिश्नर से बात करेंगे। एक बार वो अंदर हो जाए उसके बाद देखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ तुझे हाथ कैसे लगाते हैं। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ मुझे भी तुझसे बात करनी है। मैंने तेरी लाबोनीमा से भी बात कर ली है, घर के बड़े बुजुर्गों से भी बात की, और ये फैसला हुआ है कि घर में दूसरी बेटी को लाया जाए। क्या हुआ तो समझा नहीं? अनुराग, मैं चाहता हूँ कि तेरी और तानी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुहूर्त निकालने के लिए मैंने पंडित जी को भी बुला लिया। 17 दिनों के अंदर अंदर कोई अच्छा सा दिन देकर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। शेखर दा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनन्या के जाने के बाद कुहू और उसके छोटे बच्चे के, ये तू ही तो माँ बाप है ना? लेकिन बाबा दीदी का शोक है। मैं जानता हूँ हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जब तक ये शादी नहीं होती हालात अच्छे होने की संभावना भी नहीं है। लगता है बहुत इमोशनल सीन चल रहा था। कैसा अजीब परिवार है आप, एक ही डिस्कशन के बारे में सुन सुन के कान पक गए मेरे। अनुराग तानी की शादी, अनुराग तानी की शादी, शादी है या स्लो मोशन मूवी चल रही है कोई है? ना इनका रिश्ता अंजाम तक पहुंचता है और ना ये डिस्कशन आपकी खत्म होती है। लगता है कल का सबक समझ में नहीं आया आपको। पुलिस के हवाले करूंगा अगर दोबारा। इस बार मैं अकेले नहीं आया। आइए वकील साहब, आइए, आपके एंट्री का टाइम हो गया है। आइए और समझाइए इन्हें जो ये समझ नहीं रहे हैं या फिर समझना चाहते नहीं है। कल के तमाशे के बाद मेरे पास एक ही रास्ता था, अपने बच्चों को फिर से पाने का। ना आपको यहां ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। और मेरा यकीन मानो अनुराग, मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान हूं जो चाहेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस घर में रहने आऊं तो तू भी इस छत के नीचे रहे, और तेरे ना चाहते हुए भी मैं इस घर में तेरी छाती पर रहकर मुंह चलता रहूं। क्या बात है, बड़े कंफ्यूज से लग रहे हो। मेरे यहाँ रहने की बात शायद तुम्हें हजम नहीं हुई। क्यों? कोई बात नहीं अनुराग, हजम करवा देते हैं। वकील साहब किस चीज के लिए है? लाइए पेपर्स लाइए। अनुराग, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इसके अनुसार मैं इस घर में जितनी देर तक रहना चाहूं रह सकता हूं, जिंदगी भर विद प्रोटेक्शन। अगर मुझे कुछ होता है इस घर में तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या होता है, लेकिन आप क्या नहीं रहेंगे। आप इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वकील साहब, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके जरिए ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुस सके। आपके नॉलेज को पूछता कौन है ससुर जी? हाँ, या है ना नॉलेज।
आप तो खुद जानते हैं कि आपने अपनी पूरी जायदाद तीनों बच्चों के नामों पर की थी। उसमें से जो हिस्सा आपने अनन्या के नाम पर किया था, उसकी मौत के बाद उसके पति होने के नाते वो सारा हिस्सा मेरे क्लाइंट मिस्टर रितेश के हिस्से में जाता है। और कुछ कंपनी के शेयर भी। अरे बस 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 वकील साहब, आखिर जिसने गफला किया है वो बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा। ससुर जी, लाख बात की एक बात ये है कि आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो क्या है ना, जब मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की तो सारे पावर्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ चुके थे, और फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं। कैसे शेयर्स को? ये भी भूल गया मैं, सॉरी अनुराग, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अरे इसके लिए भी मुझे तुम्हें ही थैंक करना चाहिए। एक्चुअली तुम्हें याद है जब तुम्हारा तुम्हारे बाबा के साथ झगड़ा हो गया था, बेचारे टूट गए थे, और इसी टूटी हुई हालत में वो बिजनेस संभाल नहीं पा रहे थे। तब मैंने उनकी मदद की, पूरा बिजनेस मैंने संभाला, और संभालते संभालते मैंने इनसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन ले लिया। सब कुछ मेरा हो गया, सारे कंपनीज मैंने अपने नाम पर कर दिए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा अनुराग, सब कुछ मेरे नाम पर ऑलरेडी हो चुका है। चाहे सब कुछ आपके नाम पर हो चुका हो, लेकिन अपनी दी के बच्चों पर मैं आपका बुरा साया नहीं पड़ने दूंगा। दाने से शादी होते ही मैं आपके बच्चों को सबसे पहले अडॉप्ट करूंगा, और फिर कोर्ट में साबित करूंगा कि आपने मेरी दी से कभी प्यार नहीं किया। प्यार करता था तेरी दी से मैं, जिस प्यार का मजाक उड़ा लिया तुम लोगों ने, और अपने बच्चों के लिए आया हूं मैं यहां पर, समझा? तू शादी करने के बाद मेरे बच्चों को अडॉप्ट करेगा तू, जिसकी शादी का ठिकाना तक नहीं है आज तक। ये मत भूलना अनुराग कि इस बार भी कोई ना कोई भूकंप जरूर आ सकता है। रखिए इसे, किसी के हाथों जूस भिजवा देना मेरे रूम पे। इसने जो कुछ भी किया कानूनी तरीके से किया, कुछ नहीं कर सकते हम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब आप इस घर से चले गए थे ना जीजू, मुझे तो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, और वो तानी तो इस घर में देवी बनकर घूम रही थी, जिसे देखो उसी की तारीफ में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सच कहूं जीजू, मुझे भी लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ से सब कुछ छूट रहा है, एवरीथिंग। लेकिन अब जब आप वापस आ गए हो, मेरे दिल में फिर से एक उम्मीद जागी, मेरे अनु को पाने की उम्मीद। हाँ जीजू, जिस दिन इस घर ने मुझसे मेरी अनन्या छीन ली, मेरा आखिरी हक मुझसे छीन लिया, उस दिन से इस घर के किसी भी इंसान के लिए मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं बचे हैं, कोई जज्बात नहीं बचे हैं। Don't mind me saying this, जीजू, पर मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आप अनन्या से बिल्कुल प्यार नहीं करते। प्यार नुपर, जिस वक्त मेरी बीवी आखिरी सांसें ले रही थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं भी मर जाऊं उसके साथ, चला जाऊं उसके साथ, मेरे प्यार के साथ। अगर मेरे बच्चों को मेरी जरूरत नहीं होती ना, मैं तुम्हारे पास यहां बैठा नहीं होता। सिर्फ इतना प्यार करता था मैं उससे, सिर्फ इतना। जीजू, अब तो आप वापस आ गए हो ना? हाँ, अब तो आप वापस आ गए हो, तो ये तो बताइए
क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, जब तक आप मेरे ओनू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जीज, मैं आपके साथ में हूँ। इसलिए जल्द से जल्द ये बताइए क्या करना चाहते हैं। हाँ, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है नुपुर, ठीक उसी तरह से जिस तरह अनन्या के प्यार को पाने के लिए मुझे उसे खोना पड़ा। मैं यही हूँ, तुम जब भी इन दोनों की तरफ देखोगे ना तो मुझे पाओगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। वापस आ जा। तू इतना परेशान क्यों साउंड कर रहा था? कोई प्रॉब्लम है? मुझे बुला लेता, मैं आ जाती। नहीं तानी, मैं तो ऐसी जगह बात करना चाहता था जहां पर हमारी बात कोई सुन ना सके। जब से वो रितेश जी घर में आए हुए ना, मेरा मन नहीं लगता, दम घुटता है मेरा। बात क्या है तानी? मुझे तेरी मदद चाहिए रितेश जी के खिलाफ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू जब बोलेगा जहाँ बोलेगा मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगी, पुलिस में, कोर्ट में, कहीं पर भी। मैं पीछे नहीं हटूंगी ओनू। मैं जानता हूँ तो हमेशा मेरे साथ है। जब पुलिस की कोर्ट की बारी आएगी तो वो हम सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल तानी, मैं चाहता हूँ कि तू अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर दे, ध्यान दे। बिल्स चेंज करते समय या किसी भी वक्त कोई भी सबूत, कोई भी टेप, कोई पत्री, कोई फोटोग्राफ, कोई भी इंसान, कोई कुछ भी ऐसा सबूत जो हम उनके खिलाफ खड़े कर सके। पानी, मैं उस इंसान से नफरत करता हूं, उसके चेहरे से नफरत करता हूं, और जब तक वो उस घर में है मेरी दी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पानी, बाबा ने कमिश्नर से बात कर ली। कमिश्नर ने कहा अगर हमें एक भी पुख्ता सबूत मिल गया, मैं चाहता हूं कि सादा होशियारी मत दिखा, समझा ना? ये घुनापुर तेरे सारे काले धंधे जानती है। अभी जाके तेरे दीदी को जाके सारा भांडा फोड़ कर देगी। आधा मिनट लगेगा मुझको तेरी ये खुशियों को मातम में बदलने के लिए। हाँ ओनू, एक सबूत है, अगर वो सबूत हमें मिल जाए तो चीजों को जेल के पीछे पहुँचाने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे वो औरत याद है गुलाबो? जब उससे मिली थी ना तो उसने कहा था कि वो जीजू के खिलाफ बहुत कुछ जानती है, बहुत सारे सबूत है उसके पास, अगर उससे मिलेंगी तो जरूर हमारी मदद कर सकती है। तू जानती है कि वो कह रही थी? हाँ, मैं जानती हूँ कि वो कह रही थी।
ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।